क्या कहा है? छीन काहे की सींग? कौन सा सींग? हमें नहीं पता, तू किस बारे में बात कर? अच्छा ये। इनका क्या करेगी? अबे क्यों कर रही है तामझाम? हल्की सी लिप बाम लगा, फिल्टर चुप गई हो, कितने अच्छे अच्छे फोटो आते हैं फिल्टर से। इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है? ब्लॉग के लिए कर रही है तू इतना मेकअप? नहीं कर रही कुछ भी। ब्लॉग के लिए मेकअप कर रही है। वीडियो बन रही है। मत बनाइए हमारी वीडियो। हम तो बनाएंगे तुम्हारी वीडियो। मत बनाइए, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। मत बनाइए। क्यों फोन का स्टोरेज भर रही है? फालतू की चीजें ले लेती हूँ। ब्यूटिफुल डॉटर इन दिस वर्ल्ड। ओह थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल अवार्ड। तो लास्ट में हमारे पास क्या रह गया है? मेरी अंदर वाली कहाँ है? मैं तो ये पहन रही, मैंने पहने नहीं थे मामा की शादी में, चिल्लर पहने थे। कहाँ है? यहाँ चल रही है तैयारी। यहाँ चल रही है तैयारी किस चीज़ की? फोटोशूट की। हाँ मन कर रहा है, किया नहीं है मैंने बहुत दिनों से। इसका मन कर रहा है फोटोशूट का, और ये मेरी साड़ियों की बैंड बजाने पे लगी है। तो मम्मियों की चीज़ें बेटियाँ यूज़ करती हैं, और कौन करता है? तुम नहीं करते थे नानी की? ले यहाँ पे मत खोल मेरे राज। तुमने भी तो नानी के कपड़े पहने हैं, मैं नहीं पहन सकती। ये मेरी नई नई साड़ियों की बैंड बजाती रहती है भाई। देखो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं, बता रही हूँ नई नई साड़ी की बैंड बजाती रहती हूँ। ये साड़ी अभी मैं कहीं भी पहन कर नहीं गई, पर मैं पहन लेती हूँ। देखो इसने मेरा पूरा का पूरा ब्रीफ केस निकाल रखा है। तुमने पहनी? मैंने एक बार पहनी है, और साड़ी निकाल कर पहन ली उसमें से भाई। अब ये तू ही रखेगी इसको, मैं ही रखूँगा। नहीं मैं नहीं रखने वाली, मैं बिल्कुल नहीं रखने वाली। ओह नो, इसको तह बना के बंद हो गया क्या? तू ही रखेगी? क्यों नंगे काम थी इतने दिन से? बहुत टाइम हो गया यार, महीना भर सा हो गया। तो तू पागल है क्या यार? आई थिंक ये बंद हो गया मम्मी, दोबारा छिदवाना पड़ेगा फिर। ये चाय नहीं रहा इसके अंदर, चला गया। दोबारा छिदवाना पड़ेगा, चला गया। मैं बोल तो रही हूं मुझे वाली पहना दो, पर वो वाली छोटी है यार, बहुत दिक्कत है। एक वाली इसमें पड़ी हुई है ना, पहले वाली वो बेकार है मम्मी। मैं बोल रही हूँ तुमने वो उठा के रखी कि नहीं रखी? क्या अभी भी इसमें पड़ी डोलने की वाली है? वो कब की रख दी? मैं बोल रही थी या तो मैं चेंज करा लो वालियों को, या फिर मुझे पहना दो, छोटी है कम से कम निकलेगी तो नहीं कान में। अब तो हो गई ब्याह लायक। क्या यार तुम भी गाँव के लोगों की तरह शुरू हो गई मम्मी। ब्याह लायक हो गई है, ब्याह लायक लली हमारी ब्याह लायक है गई है। गाँव के लोग तो गाइस हमारी अक्षु जो है वो ब्याह लायक हो गई है। ब्याह लायक यार मम्मी क्या बोल रही है? क्या बोल रही हूँ? बोल रही हूँ ब्याह लायक हो गई है। ये क्या गंदे वर्ड यूज कर रही हो तुम? ब्याह लायक नहीं हुई मैं, मतलब शादी के लिए। 13 इयर्स ओल्ड यार। 13? Yes, 1313। पलक नहीं रही हो आप तो हमारी लली ब्याह लायक है गई है। कोई बढ़िया लोना होए, नौकरी फोकरी वाओ, और बहने तो मामी वगैरह देखेंगी क्या सोचेंगी तुम? क्या ये वर्ड्स यूज कर रही हो? अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं। दिस इज नॉट योर लैंग्वेज। तो माई लैंग्वेज कौन सी है? तुम्हारी लैंग्वेज ये है That I am talking to you. This is the way to talk to me, यार। अच्छा भाई मैक्सी फट गई आती है।
अरे यार तो भैया सपोर्ट कर दो तो हम मैक्सी ले लें। नहीं अब तुम सपोर्ट ही ना कर रहे तो क्या करें, फटाफटाई मैक्सी तो पहन नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सेफ भरी हुई है, द कबर्ड इज हाउसफुल। बट दिक्कत यही है कि हमारी मम्मी को फटे कपड़ों में ज़्यादा आराम मिलता है। हमारी मम्मी बोलती है कि मुझे फटे कपड़ों में ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मियों में। भाई झूठ बोल रही लाली। अरे यार क्या मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, तुम्हारे पास इतने सारे सूट है, इतने सारे प्लाजो है, टी शर्ट है, मम्मी के पास अब मैं बोल नहीं रही, छोड़ो। मेरे पास शॉर्ट्स भी इनके पास कच्चू ना, मेरे पास कच्चू इनके पास शॉर्ट्स हैं, प्लाजो है, सब कुछ है, बट दिक्कत ये है कि पहनना नहीं है इनको। ब्याह कर करा के ताकि छुट्टी करें। अभी रुक जा, पापा फोन कर रही हूँ। पापा देखो मम्मी ने भांग पी लिया आज के, गंदी गंदी बातें कर रही है मुझसे। ये मैं जा रही हूँ, मैं गुस्सा होगी तुमसे, जान दो मुझे ना, छोड़ दीजिए। गंदी बात कर रही हूँ मुझसे। भाग गई भाग गई भाग गई।